जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में एक बहुत ही खूबसूरत पर्व आता है जिसको शमावनी कहते हैं। तो आज ये हमारा जो एपिसोड है वो शमावनी स्पेशल एपिसोड है और इसमें मुख में स्वाद और मुख में सुगंध घोल दी जाती है कुछ अच्छे से मुखवास के साथ। वैसे एक बात है, जियो और जीने दो, माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो। जैन धर्म यूं ही महान नहीं बना, इसके इन दो सिद्धांतों ने इसको बहुत महान बनाया है। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि हर धर्म हमें यही शिक्षा देता है कि सबको माफ़ करते जाओ और अपनी ज़िंदगी को आसान और हल्का और खूबसूरत बनाते जाओ। तो चलिए, वैसे आज का ये हमारा एपिसोड बहुत खूबसूरत बनने जा रहा है, बहुत अच्छा बनने जा रहा है। चला पूछेंगे क्यों? जी हाँ, आज हमारे बीच है हमारे इंटरनेशनल शेफ समीर गुप्ता जी, जो कि हमारी A1 रसोई को और भी A1 बनाने आ गए हैं और मुख में सुगंध और स्वाद खोलते हुए कुछ अच्छे मुखवास के साथ हमारे बीच हाजिर हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे शेफ समीर गुप्ता जी का। शमा पर्व अपने आप में बेहद खूबसूरत है जी, बिल्कुल, और बहुत अच्छी वाणी के साथ जो आपको भगवान ने ईश्वर ने दिए कि बहुत अच्छा आप बोलते हैं जी, और अच्छा बोलते ही नहीं है, अच्छा सोचते भी हैं जी। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज का ये एपिसोड मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। और शमा पर्व जैसा कि एक बहुत स्पेशल दिन भी होता है, क्योंकि वैसे तो मैं कहूँगी कि हर दिन ही जब भी हमें लगता है हमें माफ़ी मांगने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये दिन आता है तो इंसान के कहीं ना कहीं कदम उस तरफ बढ़ते हैं। पर साथ ही इसमें यह भी होना चाहिए वर्तिका जी कि क्षमा हम मांग रहे हैं, दिल से मांग रहे हैं, और जिस चीज़ के लिए क्षमा मांगी गई है वो चीज़ें जीवन में दोबारा उसका रिपीटेशन ना हो, तभी क्षमा का महत्व होता है। एग्जैक्टली, सबसे अच्छी बात यही है जी। तो आज आपने बहुत अच्छे दिन को चुना है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ उसके लिए। और आज हम हमेशा ही खाने की चीज़ें करते हैं, हालाँकि ये भी आज खाने वाली चीज़ ही है, लेकिन ये खाने के बाद की चीज़ है कि आपके मुख को वो सुवासित कर दे और आपके मुँह से अच्छे बोल ही निकलें उस सुवासिता के साथ में, यही एक प्रयास होना चाहिए। इसीलिए आज के दिन सबसे पहले मिठाई खिलाई जाए, नहीं खिलाई जाए जी, लेकिन ये मुखवास जरूर कहते हैं कि अरे ये तो खा के जाए जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके दो ही रीज़न हैं, एक तो मुख सुवासित हो जाता है और दूसरा जब चीज़ें अच्छी होती हैं जिसको अपन कहते हैं पॉजिटिव वेव्स, तो जब आप करेंगे तो वाणी भी शायद अच्छी निकलेगी इससे। ठीक है, चलिए तो आज हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम एक ऐसा मुखवास बनाने जा रहे हैं जो मुख को सुवासित करने के साथ साथ वो हेल्दी भी है और आपके पाचन तंत्र के लिए भी सहायक है वो चीज़। अच्छा। तो उसके लिए कुछ सामग्री हमने इकट्ठी करी है, लेकिन उससे पहले मैं अपने इसको ऑन कर देता हूँ हमारे हीटिंग सिस्टम को। तो ठीक है, हम यहाँ बनाना शुरू करते हैं हेल्दी एंड टेस्टी मुखवास। हमारे पास यहाँ कई तरह के सीड्स हैं और हर सीड्स का एक अलग वो होता है कि कोई तो बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर पॉप अप हो जाता है, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। इसको थोड़ा सा समय लगता है, तो गर्म करने के बाद मैं ये करीब ले रहा हूँ आपका 1 टेबल स्पून खसखस के बीज है, खसखस का दाना है ये, इसको हम रोस्ट कर लेंगे और आप देखेंगे थोड़ी देर में ये थोड़ा सा पॉप अप हो जाएगा जी। और समझिए ये वाले जो मुखवास है वो मार्केट में नहीं मिलते हैं जी। मार्केट में होता क्या है कि वो उस तरह की चीज़ें जो सस्ती हैं, कमर्शियली उनको करना है तो वो सब उसमें डाल देते हैं। हमें ध्यान रखना है अपने बच्चों के स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि आज के टाइम में स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। तो जी, तो ये देख रहे हैं आप ही थोड़े से, ये इनमें बहुत हल्की सी चटर पटर की आवाज़ आने लगी है, ये लेकिन पॉप अप होने लगे। तो जैसे ही ये पॉप अप हुए हम इनको निकाल देंगे। तो ये हमने इनको पहली चीज़ जो हमारी थी उनको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया। इसके बाद हम हमारे पास 4 मगज हैं उनको डाल रहे हैं। ये हैं हमारे सनफ्लावर सीड्स, ये है पम्पकिन सीड्स, ये है हमारे खरबूजे की गिरी और तरबूजे की गिरी, यानी 4 मगज, 4 तरह के जिसमें बीज डाले जाएँ उनको 4 मगज बोलते हैं। तो इन सबको भी हमने बराबर की मात्रा में ले लिया है। ठीक है, तो ये सब तो क्या एक जैसे टेक्सचर के हैं? एक जैसे टेक्सचर के हैं, तो ये एक साथ हो जाएंगे। आप शॉप पे जाएंगे तो वो आपको बहुत सारे तरीके के सीड्स दिखाएगा, अलसी है, इस तरीके के सीड्स है। आप वो सब लेके उसको आप जितनी चीज़ें आप डालना चाहते हैं, जिस प्रपोर्शन में आप डालना चाहते हैं, कुछ चीज़ ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ चीज़ कम भी कर सकते हैं, तो वो आप ले लीजिए। तो देखिए ये ऐसे चटर पटर बोलने लगे हैं और ये पॉप अप हो गए हैं, इनको भी जैसे हमारे ये बहुत जल्दी हुए आपने देखा, इनको भी हमने निकाल दिया है इस तरीके से। और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं थोड़े से फ्लैक्स सीड्स। आपने जाना ही होगा आजकल की फ्लैक्स सीड हर चीज़ में फ़ायदेमंद है, दवाइयों में डलता है, तेल इसका बनता है, आप इसको इसका मिल बना के रोटी के साथ में ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने अलग से वो करा है क्योंकि हम चाहते हैं इसका ऑयल थोड़ा सा रिलीज हो जाए और ये बहुत जल्दी हो जाता है। आप देखिए हमारे गर्म पैन पर विद इन 10 सेकेंड्स ये गर्म हो गया। तो अलसी भी हो गई है, इस बहाने अलसी भी पेट में जाएगी जी।
और हमारे पास में चारों तरह के मगज हो गए और हमारे पास में खसखस भी हो गया। तो हमारे देखिए चारों तरह के मगज यहाँ पर तैयार हो गए, फ्लैक्सीड इसमें हो गया और पॉपी सीड हमने डाल दिया और सब कुछ हमने बराबर की मात्रा में लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से तिल। ये जो तिल है ये भी एक मैजिकल सीड है, आपको पता ही होगा कि ये इतना डाइजेस्टिव है और इतना बढ़िया है ये वाला कि, और इसको भी 10-12 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते और इसको भी आप इसी तरीके से पॉपअप कर लीजिए। देखिए हमारी इंडियन जो चीज़ें, समीर जी आप जब भी मैं आपके पास रहती हूँ तो आप हमेशा बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, इन्हीं चीज़ों के मेडिसिन रूप आ बिल्कुल और है क्या? हमारा जो किचन है वर्तिका जी वो अपने आप में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, घर का वैद्य कह लीजिए, डॉक्टर कह लीजिए, और उसके बाद हर चीज़ का इलाज है। अगर हम सही तरीके से खाना खाएं, उन सारी चीज़ों को बैलेंस रूप में हम अपने खाने में अपनाएं, तो बिलीव मी वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी। देखिए ये भी थोड़े से फूल गए हैं, इनको बिल्कुल जलाना नहीं है आपको, आप देखेंगे कि ऑयल जैसे रिलीज़ होता है ये थोड़े से पॉपअप हो जाते हैं। तो इनको भी हमने कर लिया है और ये होने के बाद इसको भी हम अपना इसमें डाल देंगे। ये चाहें तो इसकी मात्रा आप डबल भी ले सकते हैं, पर अब हमारे पास कुछ ही चीज़ें बची हैं। हमने डबल मात्रा में सौंफ ले लिया, हमने ले लिया छुहारा जो मिठास का काम करेगा, और हमने नारियल ले लिया जिसका कि फैट बहुत ही बढ़िया होता है, के लिए खास होता है बिल्कुल खोपरा मिश्री। आज ही नहीं वर्तिका जी, पुराने जमाने में जब कोई घर आता था तो हमेशा उसका स्वागत जो है पानी कभी भी फीका नहीं देते थे, नारियल का टुकड़ा दिया और फिर पानी पिलाया जाता था या मिश्री दी जाती थी। तो ये एक स्वागत का एक तरीका होता था कि भाई आए हैं तो मुँह मीठा भी करिए जरूर से। तो ये अच्छी बात है, जी पुराने जो चीज़ें हैं, पुराने जो संस्कार है जी, अब तो सिर्फ आज ही के दिन मतलब शमावणी के पर्व पे स्पेशली खोपरा मिश्री तो रखा ही जाता है। बिल्कुल, तो आज हमने इसमें और हेल्दी चीज़ें भी मिला दी। इसको बहुत नहीं सेकना है, बस इसको इतना सा वार्म अप करना है कि जो हमारा नारियल है उसका थोड़ा सा तेल रिलीज़ हो जाए, हमारे इसमें जो हमने छुहारे डाले हैं वो नरम हो जाएं, और सौंफ ये काम कर रही है कि उनको जलने भी नहीं देगी और सौंफ अपने आप में थोड़ी सी इससे करारी हो जाएगी। तो बस ये चीज़ें हमारी सब तैयार हो गई हैं, इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया कि हम इसको एक बार अगर हल्का सा चर्न कर लेंगे तो खाने वाले को भी मज़ा आएगा, थोड़े से इसके जूसेस निकलेंगे, जो इसका एसेंशियल ऑयल है वो एक दूसरे में मिल जाएगा। तो हम इसको पीस लेंगे और पीसने के बाद इसमें हमने दो चीज़ें और डालनी है, मिठास के लिए मिश्री, क्योंकि हमने थोड़ा सा केसर के साथ में पीला कर लिया है, केसर का फ्लेवर इसमें आ गया, और इसमें हम डाल देंगे सुवासित करने वाली इलायची का पाउडर। लेकिन इससे पहले हम इसको थोड़ा सा एक बार एक या दो चरण दे दीजिए कि पूरा पाउडर भी नहीं बन जाए लेकिन ये थोड़ी सी चीज़ें क्रश हो जाए। ठीक है समीर जी, तो इसका मरकता चरण कर जी। तो वर्तिका जी देखिए ये हमारे जो थे हमने इनको रोस्ट करा था और हल्का सा ठंडा कर लें, इसको एकदम गर्म नहीं पीसें। तो ये हमने इसको इस तरीके से मिक्सी के जार में डाल दिया जो कि हमारी ड्राई चीज़ों को पीसता है। एक या दो चरण करना है बस, ये काफ़ी है वर्तिका जी। ये बिल्कुल ये क्रश हो गया, निकाल लीजिए आप इसको और मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे दर्शक भी इसको देख लें। तो देखिए वर्तिका जी ये हमारा पिस गया है, जो हमारे बीज थे वो थोड़े से चर्ण हो गए हैं। नारियल कहीं से थोड़ा सा कटा है, थोड़ा सा ऐसे ही है, लेकिन इसका यही स्वाद आएगा। और इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं हमारी जो केसर मिश्रित मिश्री थी उसको हम इसमें थोड़ा सा मिला रहे हैं कि वाणी की मिठास बनी रहे, ज़ुबान की मिठास बनी रहे और हम लोग अच्छे से लोगों के मुख को मीठा कर सकें। और अगेन मुखवास के लिए हम इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच भर के इलायची का पाउडर, या आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो गया और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इन सब चीज़ों के साथ हमारा एक मुखवास तैयार हो गया और इसमें से बहुत अच्छी अभी खुशबू आ रही है। मैं जब भूना था तब भी खुशबू थी और जब हमने इसको थोड़ा सा चर्न कर लिया तो भी इसमें एक बहुत अच्छी खुशबू आ गई। आप ये देखिए इस तरीके से ये एक पाउडर बन गया। तो हमारे दर्शक देख सकते हैं कि हमने दो तरह का इसको बनाया है, आप एज इट इज़ भी रख सकते हैं, पर मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप जब थोड़ा सा चर्न कर लेंगे तो उसका स्वाद आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। बल्कि ये इतने हेल्दी हैं कि आप इसको पूरे साल एंजॉय करिए, खुद भी खाइए और आने वाले मेहमानों का मुंह भी आप इससे मीठा करिए ताकि जो वाणी की जो मिठास है वो हमेशा बनी रहे। तो लाइए समीर जी। तो देखिए वर्तिका जी ये जो चर्न करा हुआ है वो मैं आपको दे रहा हूँ और वो आप अपने अपने मसूड़ों को दांतों को जब भी आपको एक्सरसाइज करना हो तब आप वो खाइए, लेकिन जब स्वाद लेना हो तो आप इसको खाइए और देखिए कि इसमें कितनी अच्छी केसर की महक और इलायची की महक है। केसर आई मिश्री से इलायची का पाउडर हमने डाला था और बाकी जो सीड्स हमारे भुन गए थे उनका बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ रहा है। तो देखिए एक अच्छा हेल्दी टेस्टी मुखवास मैं टेस्ट करने जा रही हूँ। समीर जी
मज़ा आ गया जी। मतलब मेरे को सौंफ खाने की बहुत हैबिट है जी, तो उसमें सौंफ का स्वाद आ रहा है, लेकिन अब मेरे को एक बेनिफिट और मिल गया कि सौंफ मैं इतनी ज़्यादा खाती हूँ तो उसके साथ जो हेल्दी सीड्स हैं, बिल्कुल आप और हेल्दी सीड्स भी खा सकते हैं उसके साथ में, जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमारे बॉडी की ओवरऑलिंग करते हैं। कहते हैं ना शरीर को बहुत अच्छे फैट की ज़रूरत होती है, तो सीड्स में जो फैट होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो भाई ना सिर्फ ये मुखवास है बल्कि हेल्दी मुखवास है, तो लोगों की वाणी में मधुरता रहे और उनके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य रहे, इन दोनों ही चीज़ों के साथ आप सबके लिए इसकी कुछ खास बातें उन्हें नोट करिए। और हम आते हैं इस ब्रेक के बाद, सीखेंगे कुछ दो अच्छे से मुखवास और।